हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। आज ये पार्ट नंबर आप लोग के लिए 302 नंबर का वीडियो है। और इसके पहले के अगर वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। पार्ट 11 से लगाकर पार्ट नंबर 302 तक जितने भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं सारे वीडियोज वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? हरलाक का है, स्टैनले हॉल का है, गैसेल का है या फिर वुडवर्थ का है? क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलेगा, टॉप 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर स्टैनले हॉल के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में साइकोलॉजी और गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस गेम्स के भी मिलेंगे और स्टार्टिंग में आपको साइकोलॉजी से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा, यह कथन किसका है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन आप आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, समझ कर आंसर क्लिक करिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। कोहलन, स्टैनले हॉल, बिग एवं हंट या फिर डी ऑप्शन कोहल बाग। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम को टफ बनाते हैं जो कथन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा कुहलन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं, ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 3 नंबर का, विकास शब्द में निहित है केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, सी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या होगा, 6 से 11 वर्ष। पूछा गया है समूह, जो पूछा गया आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था, तो कितना होता है टाइम पीरियड, 6 to 11 ईयर्स हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी उत्तर सही हो जाएगा। और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ में क्विज, मॉक टेस्ट और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और केवल 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, एक बार सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। वर्तमान समय में उत्तराखंड पीटीआई एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आई थी उसका बैच और यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है, जिसको भी ऐड होना ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य करते हैं, बताइए। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पे, तो उत्तर जो रिलेट कर जाएगा आपका 5 का डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, माता पिता एवं भाई बहन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नहीं डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन पढ़ने से आपका आंसर राइट आ जाएगा।
निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ, यानी सही कथन का आपको बताना है कौन सा चार ऑप्शन में से एक कथन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा लड़का व लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृत प्राप्त करता है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, सी ऑप्शन है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, डी ऑप्शन दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। आपने आंसर क्लिक कर दिया होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सही उत्तर आपका रिलेट कर जाएगा कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन अवधि बतानी है कौन सी है, दो वर्ष से छह वर्ष, छह वर्ष से ग्यारह वर्ष, दस वर्ष के बाद या फिर जन्म से दो वर्ष, मध्य बचपन अवधि बतानी है सेवन नंबर में, बताइएगा सात का क्या होगा राइट आंसर। और जिसने भी इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सारी वीडियोज वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, पार्ट 11 से लगाकर पार्ट नंबर 302 तक जितने भी वीडियोज अपलोड की गई हैं सारी वीडियोज वहां पर आपको मिलेंगी, उन वीडियोज को आप देखिएगा, उनसे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लेवल के ही दिए गए हैं, वहां पर जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए सारे एग्जाम के लेवल्स के क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, तो उत्तर हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, छह वर्ष से ग्यारह वर्ष के साथ में हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एट नंबर का क्वेश्चन, और अपनी स्कोरिंग अवश्य करते जाइएगा, बीस में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आपको आंसर क्लिक करना है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, एट नंबर। विकास क्या होता है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति होती है, भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, तो विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता और फिर पीछे की ओर, यह भी गलत हो जाएगा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे आते हैं या जाते हैं, तो राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पे ए ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर का, किशोरा अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या फिर पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन का राइट आंसर आपको बताना है। और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है, नोट्स प्राप्त करना है, 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम के द्वारा, या फिर अकाउंट पे भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। नाइन नंबर का राइट आंसर आपने क्लिक कर दिया होगा, कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कोरिंग भी करते जाइएगा, 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपकी स्कोरिंग बहुत ही मायने रखती है कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस चैप्टर को आप तैयार करके अगले मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, और इसी के द्वारा आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट अच्छे से करते जाएंगे एग्जाम में भी आप अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्ष में सहायता मिल सके, या फिर डी ऑप्शन है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, कक्षा कक्ष में सहायता मिल सके, यानी राइट आंसर परिवेश कैसा होना चाहिए, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार यानी सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मानव विकास है, कैसा
मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर ए व बी दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा डी उत्तर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां से आपको 20 तक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ बताइए, हॉकी वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग कब से हुई, 1972, 1971, 1975 या 1977 बताइए। अगर राइट आंसर क्या होगा, बहुत से लोगों ने कल राइट आंसर यहां पे गलत किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ने एक क्लिक कर दिया था, उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहां पे 1971 के साथ रिलेट कर जाएगा, 1971 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना हो 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, 1923 में हुई थी, 1924 या फिर 1927। 13 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना बतानी है कब हुई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन और हॉकी से रिलेटेड आपके एग्जाम में चैप्टर दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 1924, इसके पहले के वीडियोस में भी ये क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 IHF की स्थापना कब हुई थी, 1925 1935 1924 या फिर 1928। क्वेश्चन नंबर 14, और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए सारे वीडियोस वहां पर आपको एक साथ में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को ऐड कर दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपने क्लिक किया होगा, IHF की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, IHF की स्थापना किस शहर में हुई, किस शहर में स्थापना हुई थी। 15 आंसर जैसे ही हमने क्वेश्चन क्लिक किया वैसे ही आप लोग का आंसर आया होगा, बहुत से लोगों का दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं होगा, यहां पर राइट आंसर आपको बताना है स्थापना किस शहर में हुई थी बताइएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, यहां पे सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसने भी राइट आंसर बी क्लिक किया उसके चार नंबर कंफर्म हो जाते हैं। यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 125 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन चार नंबर को कैरी करेगा और 500 का पूर्णांक होगा, इसमें से ज्यादा नंबर गेन करने हैं। और इसके बाद जो आपका यूपी टीजीटी कंडक्ट होने के बाद यूपी एलटी ग्रेड का जो फॉर्म आएगा उसमें माइनस मार्किंग होगी और साथ में आपको पासिंग मार्क भी दिया जाएगा, उस पासिंग मार्क को भी क्रॉस करना होगा तब जाके आप फाइट कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो अभी आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, यूपी टीजीटी पर फोकस करिए, जब भी फॉर्म आता है आपकी तैयारी पूरी होगी, चाहे जब फॉर्म आए आप वहां पे हेजिटेट नहीं होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको केवल और केवल एग्जाम देना होगा और रिवीजन करना रहेगा, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब फील्ड हॉकी की टीम भेजी, 1924 1928 1908 या फिर 1925। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब फील्ड हॉकी की टीम भेजी थी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है, कौन सा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, जी हां बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा 1928, ए ऑप्शन यहां पे सही नहीं होगा, बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 17 नंबर का, जालंधर के किस स्थान से सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाते हैं, उस स्थान का नाम बता देना है आपको, जालंधर का कौन सा वो स्थान है, हिसार, संसारपुर, बलरामपुर या फिर निसारपुर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
17 जो राइट आंसर रिलेट करेगा, आपने ए ऑप्शन के साथ में क्लिक किया होगा, गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। और जालंधर के अगर शहर की बात की जाए, सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में चुने गए कौन सा होगा, संसारपुर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना 9621819209 पे कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 500 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना होगा फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा। साथ में जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, महिला हॉकी विश्व कप प्रारंभ हुआ 1975, 1974, 1970 या फिर 1972। 18 नंबर, महिला हॉकी विश्व कप का प्रारंभ हुआ था, इसको बताना है किस ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन जिसने भी क्लिक कर दिया राइट आंसर हो जाएगा, 1974 के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न निम्न में से किसको हॉकी में दिया गया। ऑप्शन देखिएगा, आंसर क्लिक करिएगा, राइट आंसर क्या होगा, स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, तो यहां जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन धनराज पिल्ले के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर ये है 302। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर, पार्ट 11 से लगाकर पार्ट नंबर 302 तक सभी वीडियोस पब्लिक हैं, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया है यह भी आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है, तो ये दिल्ली के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में अपने 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे जो भी फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीआई पीटीआई एलटी ग्रेड की, उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करें, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ऐड किया जाएगा ग्रुप से और नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।